हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएडओ के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, स्टॉक्स प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो का लास्ट तक जरूर बना रहे। तो बात करते हैं मैच नंबर 36 जो कि खेला जाएगा मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में, जहां पर लगातार 4 मैच जीतने के बाद लास्ट मैच में स्टार्स को सिडनी सिक्सर्स ने हराया। वहीं टीम अभी तक 8 मैच में से 4 मैच जीतकर केवल नंबर 4 पर स्टेबल है। वहीं दूसरी तरफ मेलबर्न रेनेगेड्स का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, यह टूर्नामेंट की सबसे बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि टीम लगातार हार के चलते पहले ही टूर्नामेंट से लगभग बाहर ही हो चुकी है। टीम पॉइंट टेबल नंबर 8 पे स्टेबल है। यह मैच मेलबर्न के डॉकलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 70% रहेगा, टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 48% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 52% जीतने का चांस है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 145 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 5 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे मेलबर्न स्टार 2 मैच जीत के आ रही है तो वहीं मेलबर्न रेनेगेड्स 3 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहले टीम मेलबर्न स्टार का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट किया और लगातार 3 मैच हार गई, उसके बाद लास्ट 4 गेम में टीम जीत गई, लेकिन फिर लास्ट गेम में टीम को हार मिली। टीम के कैप्टन जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ने, जिन्होंने टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन भी बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट भी लिए, स्टोनिस ने लास्ट गेम में उन्होंने मैच फिनिश किया था। ओपनिंग में बात करें तो टॉम रोगर्स एंड डैनियल लॉरेंस जो टीम को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। बॉलिंग में जहाँ टीम हिट चल रही है, स्कॉट बोलिंग टीम के लिए लगातार विकेट निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पर डैनियल लॉरेंस है, थॉमस रॉगर्स से, ब्यू बेव्स से, मार्कस स्टोनिस, हिल्टन कैटराइट, पीटर हैंडकम, ग्लेन मैक्सवेल, स्कॉट बोलैंड, जोनाथो मार्लो, इमाद वशिमा, जोएल पेरिस। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहां पे पहली प्लेयर हैं ब्यू बेव्स जो कि 6 मैच में तो 178 रन है, एवरेज 35 का है। प्लेयर की बात करें ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑलराउंडर है, 7 मैच में 191 रन है, एवरेज 38 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें जोएल पेरिस जो कि 7 मैच में 5 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमिक 7.4 का है। अब दूसरी टीम मेलबर्न रेनेगेड्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं और 6 में उससे हार मिली है, एक मैच कैंसिल हुआ था। टीम पॉइंट टेबल 3 पॉइंट के साथ टेबल नंबर सबसे नीचे पे स्टेबल है, टूर्नामेंट में लगभग बाहर हो चुकी है। टीम के कैप्टन जहां पे निक मैडिसन को खराब परफॉर्मेंस के चलते बाहर कर दिया गया था, उनकी जगह स्विट्जरलैंड टीम के कैप्टन है जैक फ्रेस जो अब तक टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, और उसके में जॉर्डन कॉन्स को चांस मिला था। एक्सपीरियंस बैटर जहाँ पे शॉन मार्श टीम को एक्स फैक्टर है, ऑलराउंडर विल स्विट्जरलैंड टीम के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग भी बहुत ही खराब चल रही है, टीम की स्पिन बॉलिंग जहाँ पे एडम जंपा जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो केन रिचर्डसन को इस गेम में चांस मिल सकता है, एक्सपीरियंस बॉलर पीटर सिडले भी टीम के लिए जीत दिला नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे क्वेंटन डी कॉक हैं, जॉर्डन कॉक्स है, जैक फ्रेसर, शॉन मार्श, जोनाथन वेल्स, विल स्विट्जरलैंड जो कि कप्तान है, टॉम रोगर्स, केन रिचर्डसन, एडम जंपा, पीटर सिडली, मैकनाइज हार्वे। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहाँ पे जैक फ्रेसर जो कि एक बैट्समैन है, 7 मैच में 215 रन है, एवरेज 30 का है। वहीं दूसरी प्लेयर की बात करें शॉन मार्श जो कि ऑलराउंडर है, 5 मैच में 121 रन है, एवरेज 30 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें विल स्विट्जरलैंड जो कि बॉलर है, 7 मैच में 7 विकेट निकाले, इकोनॉमिक 8.11 का है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, दोनों इस टाइम टूर्नामेंट का स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही, हालांकि स्टार्स अभी भी टॉप 4 में स्टेबल है। इन दोनों का यहाँ पे जीत दर्ज करना होगा। दोनों टीम की सबसे ताकत देखते हुए आज का मैच बना हमारे अकॉर्डिंग मेलबर्न स्टार होगा, यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करा, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।